अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आसिया अलियर। मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अलमायदा किचन में। आज अलमायदा किचन में बनने जा रही हैं 3 टेस्टी टेस्टी चटनियाँ जो कि खाई जाती हैं फ्राई फिश और बारबेक्यू के साथ। तो जी, सबसे पहली चटनी जो है वो है इमली की चटनी, और उसके बाद जो चटनी बनेगी वो है ग्रीन चटनी, यानी कि धनिया पुदीना और बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स होंगी। और इसके बाद जिस चटनी की बारी आती है उसका नाम है खुबानी की चटनी। जी हाँ, ड्राई खुबानी। और आइए चलते हैं आज अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार चटनियाँ कैसे बनाई जाती हैं। झटपट बनने वाली चटनियाँ हैं, बहुत ही आसान है, जस्ट 2 मिनट्स में ये चटनियाँ बन जाती हैं। जी तो यहाँ पर सबसे पहले जो चटनी मैं बनाने जा रही हूँ वो है ग्रीन चटनी। इसमें ग्रीन स्पाइसेस जाएंगे, वाइट, येलो और ड्राई स्पाइसेस भी होंगे। तो सभी स्पाइसेस आपके सामने हैं, तो मैं बताती हूँ इनकी क्वांटिटी के ये चीज़ें हमें कितनी क्वांटिटी में चाहिए। आप चाहें तो अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना भी जो भी लेना चाहें उसी हिसाब से बना सकते हैं। जी तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए धनिया, और धनिया ले लिया है यहाँ पर मैंने हसबे ज़रूरत। और इसके बाद जो चीज़ चाहिए वो है पुदीना। पुदीना ली है मैंने 1 गठी, और उसकी मैंने पत्तियाँ उतार ली हैं। और सब्ज़ मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद, और 1 लिया है प्याज। और प्याज के बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है लहसुन। लहसुन के जवे लिए हैं मैंने 4। इसके बाद चाहिए ज़ीरा। ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1/2 टीस्पून, नमक लिया है सफ़ेद वाला 1/2 टीस्पून, और ब्लैक नमक लिया है वो भी 1/2 टीस्पून। और इसके बाद हमें जो चीज़ चाहिए वो है इमली, और इमली के यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 स्पून। और इमली के बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है जी केचप, और केचप यहाँ पर तकरीबन हमें चाहिए 1/2 कप। जी तो ये थी वो तमाम चीज़ें जो कि मैंने इस चटनी में डालनी हैं, और आप भी इन चीज़ों को फॉलो करके एक बेहतरीन चटनी बना सकते हैं अपने लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है एक ब्लेंडर, और ब्लेंडर में तकरीबन मैंने तमाम स्पाइसेस ही डाल दिए हैं। और जस्ट मैंने चिली फ्लेक्स को एक साइड पर रख लिया है। चिली फ्लेक्स हम इसमें अभी नहीं डाल रहे, चिली फ्लेक्स जब ये तमाम चीज़ें ब्लेंड हो जाएंगी फिर हम डालेंगे। और केचप भी अभी इसमें नहीं जाएगा, केचप भी हम आगे जाके डालेंगे। जी तो व्यूवर्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रीन चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको निकाल लेना है एक अलग से बाउल में जिसमें हम बाकी की तमाम चीज़ें मिक्स कर सकें। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बाउल, और इसमें डाल दी है मैंने ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी डालने के बाद अब हमने इसमें डाल देने हैं चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है केचप, और केचप भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और अब इसको ऐसा करना है कि चम्मच के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये हमारी एक बेहतरीन चटनी रेडी है फ्राई फिश के लिए और बारबेक्यू के लिए। आई होप आप इसको इंजॉय करेंगे। जी तो अब आ जाते हैं हम अपनी सेकंड चटनी की तरफ, और वो है इमली की चटनी, जिसके लिए हमें इमली चाहिए, यानी कि इमली का पल्प चाहिए 1 कप। आप हसबे ज़रूरत भी ले सकते हैं इमली के पल्प को। और इमली के पल्प के बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है ब्राउन शुगर, और यहाँ पर फ़िलहाल अभी मैंने लिए हैं 4 से 5 टेबल स्पून ब्राउन शुगर ले लिया। आप गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं, आप गुड़ भी डाल सकते हैं, आप चीनी भी इसमें डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप वो इसमें डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन रियल टेस्ट इसका शक्कर से ही मिलेगा आपको। और इसके बाद हमें चिली फ्लेक्स चाहिए, और चिली फ्लेक्स हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। चिली फ्लेक्स के बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है ज़ीरा, और ज़ीरा भी हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। ज़ीरे की खुशबू इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और ज़ीरे के बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है काला नमक, और काला नमक हमें चाहिए
टीस्पून, और काले नमक के बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है वाइट नमक, और वाइट नमक भी चाहिए हमें हाफ टी स्पून, या हसबे ज़रूरत भी आप ले सकते हैं जी। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक पैन। अब इस पैन के अंदर हम डालेंगे इमली का पल्प, और इमली का पल्प आपने हसबे ज़रूरत ले लेना है जितनी चटनी आपको बनानी हो। यहाँ पर अब इसमें जाएगी हसबे ज़रूरत शक्कर, जो कि 4 से 5 टेबलस्पून है। यहाँ पर ज़ीरा भी इसमें चला गया, ज़ीरे के बाद सफ़ेद नमक, और अब इसमें जाएगा काला नमक जी, ये भी इसमें ऐड हो गया है, और चिली फ्लेक्स भी ऐड हो गए हैं। तो इसके बाद हमने कर देना है स्टोव को ऑन, और स्टोव को मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है। इसको बहुत ही हमने लो फ्लेम पे पकाना है, और जैसे ही ये पकना स्टार्ट होगी हमने फ्लेम को और भी लो कर देना है। और यहाँ पर मैंने अच्छे से तमाम चीज़ों को कर लिया है मिक्स, और अब इसको पकने देते हैं जी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद ही बबल्स आना स्टार्ट हो गए थे चटनी में, और यहाँ पर चटनी पकना स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा सा पानी भी है अभी, आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि जब शक्कर इमली में जाएगी तो लाजमी सी बात है कि उसका पानी जो है वो चटनी में बनेगा ही बनेगा, और इस पानी को हमने ड्राई करना है। और जैसे ही ये पानी ड्राई होगा और आप देखेंगे कि बबल आना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर मैंने चटनी को चेक किया तो मुझे इसमें शक्कर थोड़ी सी कम लगी, और मैंने मज़ीद तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून शक्कर इसमें दोबारा डाली, और फिर जाके ये एक परफेक्ट चटनी बनी। और इंशाल्लाह ये चटनी भी आपको बहुत ही पसंद आएगी जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चटनी बहुत ही ज़ोरों शोर से पक रही है, और देख सकते हैं यहाँ पर चटनी थोड़ी थोड़ी थिक होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जब हम इसे चूल्हे से उतारेंगे तो ये और भी थिक हो जाएगी। यहाँ तकरीबन चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम इसे ठंडा करेंगे और बर्तन में निकाल लेंगे जी। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी दो चटनियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, और अब बारी है हमारी तीसरी चटनी की, और तीसरी चटनी बनने जा रही है आज ड्राई खुबानी की। और यहाँ पर तकरीबन मैंने 50 ग्राम ड्राई खुबानी ली थी, और उसको अच्छे से धो के बॉईल कर लिया था, और बॉईल करके उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है, और तकरीबन उसमें 4 टेबलस्पून मैंने इमली का पल्प डाल दिया है, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप भी ऐसा ही कीजिएगा। और इसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है लहसुन का पेस्ट, और लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए 1 टेबलस्पून जी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है लहसुन के पेस्ट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा थिक था। और इसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है चिली फ्लेक्स, और चिली फ्लेक्स चाहिए 1 टेबलस्पून, और चिली फ्लेक्स के बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है ज़ीरा कुटा हुआ, देखें बहुत मोटा मोटा कुटा हुआ है इसको मैंने, और ये हमें चाहिए 1 टेबलस्पून। ज़ीरे के बाद हमें चाहिए सफ़ेद नमक, जिसको इंग्लिश में वाइट सॉल्ट भी बोला जाता है, सो आप इसको ले लीजिएगा हसबे ज़रूरत। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। तो आइए चलते हैं, ये चटनी रेडी करते हैं जी। तो यहाँ पर मौजूद है ड्राई खुबानी का पेस्ट, अब इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स, नमक, और अब इसमें जाएगा मोटा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, और अब इसमें जाएगा जी लहसुन का पेस्ट, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया था क्योंकि ये चटनी थोड़ी सी थिक थी, और मैंने इसको थोड़ा सा थिन करना था, सो इसलिए मैंने वे पेस्ट में ही पानी डाल लिया था। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी तीसरी चटनी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और जिसकी शक्ल बहुत ही ज़बरदस्त है, और ज़ायका तो बहुत ही मज़े का है, परफेक्ट है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों चटनियाँ रेडी होके आ चुकी हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और करीब से मैं आपको इन चटनियों की शक्ल दिखा देती हूँ। देख सकते हैं इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, और खुबानी की चटनी है लास्ट में जी। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन चटनियों को फ्राई फिश और बारबेक्यू के साथ इंजॉय कर सकें। आई होप
आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। सो न्यू आने वाले व्यूवर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।